नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहा 6 लेन सड़क निर्माण कार्य राजमार्ग के दोनों ओर संचालित औद्योगिक इकाइयों तथा आसपास के बाशिंदों के लिए परेशानियों का सबब बना हुआ है। मानसून की आहट के साथ ही निर्माणाधीन 6 लेन मार्ग के दोनों ओर प्राधिकरण द्वारा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं किए जाने से किनारे पर स्थापित इकाइयों में बरसाती पानी प्रवेशित होने की आशंका को लेकर प्रबंधकों और कार्यरत श्रमिक ही नहीं आसपास के निवासियों को भी चिंता सताने लगी है। इसे लेकर जहां औद्योगिक इकाइयों ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट निदेशक से लेकर जिला कलेक्टर तक को ज्ञापन सौंप बारिश से पूर्व निकासी व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कराने की मांग की है, वहीं मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने केंद्रीय परिवहन मंत्री को प्रतिवेदन प्रेषित कर जिले की सीमा में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे संचालित औद्योगिक इकाइयों व आवासीय बस्तियों के समीप पूर्व में फोरलेन निर्माण के दौरान सड़क के दोनों ओर निकासी के लिए बनाए गए नालों के समान 6 लेन में पानी निकासी के लिए नालों का निर्माण कराने की मांग की है। खासतौर से चित्तौड़ मार्ग स्थित इकाइयों के उद्यमियों तथा राजमार्ग किनारे स्थित गांवों के बाशिंदों में बरसात के दिनों में मुंह खोले खड़ी भारी समस्या को लेकर डर बढ़ता ही जा रहा है। इसे लेकर परियोजना निदेशक व जिला कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में बताया गया कि 4 लेन राजमार्ग के समय दोनों किनारों पर नाले का निर्माण करवाया गया था। इन्हीं नालों के सहारे बरसाती पानी गुवारणी नाले में जाता था, जबकि वर्तमान में चल रहे 6 लेन राजमार्ग निर्माण के दौरान प्राधिकरण द्वारा निकासी के लिए नालों का निर्माण तो दूर पूर्व में निर्मित नालों को भी ध्वस्त कर दिया गया है, जबकि निर्माणाधीन सर्विस रोड भी लगभग 2.5 से 3 फीट ऊपर होने से कैचमेंट क्षेत्र का तमाम बरसाती पानी औद्योगिक इकाइयों में समा जाएगा, जिससे मार्ग किनारे संचालित इकाइयों स्थित ETP सॉफ्टनर टैंकों सहित कोलयार्ड तक को नुकसान पहुंचेगा। यही नहीं, उत्पादन ठप्प हो जाएगा, जिससे भारी आर्थिक संकट भी उत्पन्न हो सकता है। ज्ञापनों में पूर्व की भांति आउटर ड्रेनेज सिस्टम व्यवस्था करवाए जाने की पुरजोर मांग उठाई गई। वहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया परियोजना निदेशक सत्येंद्र कुमार ने बताया कि राजमार्ग निर्माण प्रोजेक्ट में कैचमेंट क्षेत्र के पानी की निकासी का कोई प्रावधान नहीं है। प्राधिकरण की ओर से सिर्फ राजमार्ग सड़क दायरे की पानी निकासी के लिए ही ड्रेनेज व्यवस्था नियमानुसार की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसे लेकर कुछ उद्यमियों द्वारा उनसे मुलाकात की गई थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए निर्माणाधीन राजमार्ग के दोनों ओर बरसाती पानी निकासी में अवरुद्ध साबित होती निर्माण सामग्री को अविलंब हटाने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि समुचित निकासी संभव हो सके।